हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है सब लोग का सर्वाइवल सीरीज हैशटैग पार्ट 12 यानी कि एपिसोड नंबर 12 में। तो आप लोग को थंबनेल देख के और प्लस यू नो स्टार्टिंग देख के पता लग ही गया होगा कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो गाइज, इस एपिसोड में बनाने वाला हूँ दो नए बिल्ड्स प्लस डेकोरेट करने वाला अपने वर्ल्ड को। तो ये एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है और जो भी चैनल पे नया रहा है मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इट विल मीन अ लॉट। चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे दो घर और ये दोनों घर ही छोटे होने वाले हैं, कुछ ज़्यादा बड़े घर नहीं है। और मेरे को ये दोनों घर काफ़ी सही लगते हैं। और मैंने जो फर्स्ट घर है इसका आसमान भी लड़के के पीछे रख लिया, मेरे शेल्फ में पड़े, आपको जल्दी से दिखा देता हूँ क्या क्या आसमान इसमें लगने वाला है। और इसको बोलते हैं कैबिन हाउस। तो लेट्स गो। तो गाइस, ये सारा सामान इसमें लगने वाला आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे को लगने वाला है स्प्रूस और ये नेदर की वुड जो भी इसको बोलते हैं, थोड़ा सा डार्क ओक लगने वाला है। चलो अभी ये घर को बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लस वो पीछे भी घर आने वाला है, उसका इसमें अभी मैंने कलेक्ट किया नहीं है, प्लस इसका मैंने कर लिया था। तो पहले ये बनाएंगे फिर ये वाला करेंगे, ठीक है? तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे 5 की हाइट का 1, 2, 3, 4, 5 का एक पिलर खड़ा कर देना है। फिर यहाँ मेरे को 3 ब्लॉक छोड़ के 4th ब्लॉक पे जाके फिर से 5 की हाइट का करना है। मेरे को एंड पे करना है 5 की हाइट का, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब मेरे को इसको स्ट्रिप भी करना है, पहले मेरे को इनको ज्वाइन भी कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन तो कर दिया, इनको स्ट्रिप बाद में कर दूंगा। तो मेरे को यहाँ पे आने 7 ब्लॉक जाना है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, काफी ब्लॉक मेरे को अभी काउंट नहीं किए, तो मेरे को 7 ब्लॉक जाना है, ठीक है? अब इसके एग्जैक्ट सामने मेरे को यहाँ पे भी 7 ब्लॉक जाना है। तो अभी चलते जल्दी से 7 ब्लॉक, ठीक है? अभी जो इसके जस्ट राइट में है ना, ये राइट पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ मेरे को जाना है 9 ब्लॉक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? और इसके सामने वैसे भी मेरे को 9 जाना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ पे गया था। तो जल्दी से जाता हूँ मैं और यहाँ पे चला गया मैं 7, 8, 9, ठीक है? अब मेरे को यहाँ पे इस एज पे जाना पड़ेगा 7 ब्लॉक्स। तो यहाँ पे जल्दी से 7 ब्लॉक्स चलता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने सबको स्ट्रिप भी कर दिया है। अब मेरे को यहाँ पे नेदर वुड लेनी है, उसके प्लैंक्स बना लेने हैं जो ब्लू वाली होती है, और यहाँ पे फिर मेरे को भरना शुरू कर देना है। अब मेरे को ये हर डायरेक्शन में यानी कि हर पिलर के बीच में फिल कर देना है। तो जल्दी से करके आपको मिलता हूँ। तो अब जो मेरा नेक्स्ट काम है वो मेरे यहाँ पे फ्लोर बनाना है। तो फ्लोर के लिए यहाँ पे मैं स्प्रूस के प्लैंक यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले मेरे को यहाँ पे पूरी ग्रास हटानी पड़ेगी, फिर मेरे को यहाँ पे ऐसे प्लैंक भरना पड़ेगा। तो आपको जल्दी से करके मिलता हूँ मैं। तो गाइस, यहाँ पे जो इसके फ्लोर था मैंने उसको एक लेवल ऊपर उठा दिया है। और अब यहाँ पे बनाने वाला हूँ इसकी एंट्रेंस। तो उसका टाइम स्लैप एंजॉय करना, वो मैं नहीं बताऊंगा कैसे बनती है, उसका टाइम स्लैप एंजॉय करना, ठीक है? ऑल राइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे मैंने पूरी डिटेलिंग ऐड कर दी है घर में। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे विंडोज बना दी, ट्रैपडोर लगा दी और काफी सही दिख रहा है। और यहाँ पे मेरे को स्लैब्स ऐड करना भूल चुका हूँ। बाकी यहाँ पे मैं चिमनी बनाने की सोच रहा हूँ, वो बाद में देखता हूँ, बट यहाँ पे अभी फिलहाल मैं स्लैब्स ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे भी स्लैब्स ऐड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे स्लैब्स आ जाएंगी। बाद यहाँ पे फ्लावर पॉट रख सकता हूँ इसके ऊपर मैं, तो काफी सही दिखेगा। और यहाँ पे ये विंडो है काफी सही लग रही है, और नीचे जो स्पीड वेरियस लगा है वो भी काफी ओपी दिख रही है। तो आप मेरे को कमेंट में बताना आपको अभी तक घर कैसा लगा। बाकी अब हम जाएंगे ऊपर और बनाएंगे इसकी छत, तो उसका डेजर्ट एंजॉय करना। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे पूरी छत की बाउंड्री बना ली है। पहले तो यहाँ पे प्लैक्स लेके यहाँ पे भर देना है। तो मेरे को उस साइड पे करना पड़ेगा 1, 2, फिर आगे उसके आगे, ठीक है? तो मेरे को क्या करना है, अब मेरे को पहले लेनी है स्लैब्स। पहले तो बाउंड्री को ऐसे पूरा ज्वाइन कर देना है, ठीक है? और ऐसे पूरा भर देना है। अब स्पीड जी मैं नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे फिर नीचे गिर जाऊंगा, फिर ऊपर आना दिक्कत होगा, ठीक है? यहाँ पे पूरा प्लैंक्स आएगा, फिर इसके ऊपर फिर से स्लैब्स आएंगी। तो ऐसे करके पूरी छत को कम्प्लीट कर देना है। तो आपको मैं पूरी छत कम्प्लीट करके मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो मैंने एक साइड की छत कंप्लीट कर दी है। अब मेरे को यहाँ पे एक लेवल नीचे करके यहाँ पे लॉग्स लगा देनी है, उनको स्ट्रिप नहीं करना, ऐसे बस लगा दो, ठीक है? और अगर आपको करना करो वरना, क्योंकि ये टेम्परेरी है, बाद में हटाने वाला हूँ मैं, ठीक है? इसके ऊपर फिर आपको लगानी है ये नेदर वाली क्रिमसन, इसको क्रिमसन बोलता है, देख सो। तो ये लगाने हैं इसके प्लैंक्स, ठीक है? देन मेरे को सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे कि मैंने पिछली वाली छत डाली थी। तो आपको जल्दी से करके मिलता हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे चिमनी ऐड करने वाला है, यहाँ पे जल्दी से चिमनी ऐड करते हैं। तो 1, 2, 3 ऐसे मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे ब्लॉक, ठीक है? तो 1, 2, 3 लग गए। तो अभी क्या करने वाला हूँ मैं, इसके ऊपर यहाँ पे एक लगाने वाला हूँ, यहाँ से चिमनी निकालेंगे ना, तो यहाँ पे पहले पूरी स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, ठीक है? और अभी इसके आगे एक, ठीक है? बाद में इसको डिटेलिंग दे दूंगा, अभी फिलहाल मैं ऐसे बना रहा हूँ रेंडमाइज करके, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया।
और डिटेलिंग जब बाद में दूंगा तो यहाँ पे यू नो क्या बोलते हैं कोबल स्टोन यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे स्टोन ब्रिक यूज़ कर सकता हूँ जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी से दिखता है, तो आपको जल्दी से डिटेलिंग करके मिलता हूँ ऊपर। तो गाइस ऊपर इस ब्लॉक से निकालूंगा चिमनी, तो मेरे को ये तोड़ना पड़ेगा, तो मैंने ये तोड़ा। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ एक पहले स्लैब लगाऊँ या क्या लगाऊँ, तो यहाँ पे आई थिंक से फुल ब्लॉक लगा लेता हूँ ठीक है। और अभी इसके ऊपर एक और लगाऊंगा और इसके ऊपर फिर से एक और लगाएंगे, और हाँ इतना बहुत है। अभी इसके ऊपर आएगी कैंप फायर, तो कैंप फायर मैं लेके आया हूँ तो उसको निकालता हूँ फटाफट। और यहाँ पे लगाने मेरे को भी कैंप फायर नीचे उतर के, हाँ तो मेरे को लगाने यहाँ पे ट्रैप डोर, तो उसके बाद अपनी चिमनी कंप्लीट हो जाएगी। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे मेरा घर कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे लाइटनिंग बाकी है और इसका इंटीरियर बाकी है। अब मैं आपको पूरा घर कंप्लीट करके मिलता हूँ, और मैंने यहाँ पे चिमनी भी बना दी, इसका डेकोरेट भी कर दिया है, और प्लस बाकी देखते हैं इन फ्यूचर अभी क्या अपना घर निकल के आता है। तो आपको जल्दी से करके मिलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ आपका घर कैसा लग रहा है ठीक है। तो इन 3, 2, 1 और ये बूम। तो फाइनली गाइस अपना घर पूरा रेडी हो चुका है, विद इंटीरियर आपको दिखाता हूँ ये घर कैसा लग रहा है। मैंने यहाँ पे लाइटिंग भी पूरी ऐड कर दिया है। तो जब हम इसमें एंटर होते हैं तो हमें दिखती है पहले यहाँ पे स्टेयर्स, और उसके पीछे आपको दिखता है थोड़ा सा सिटिंग रूम वैसे बैठने के लिए ठीक है। प्लस यहाँ पे मैंने फ्लावर पॉट भी ऐड कर दिया, मैंने बनाया डार्क ओक से। और यहाँ पे आपको दिखती है आपकी किचन, तो यहाँ पे मैंने बैरल लगा दिए, वहाँ पे मैंने कंपोस्टर लगा दिया, और स्मोकर से धुआं निकल रही है, कैंप फायर लगे तो धुआं निकल रहा है और काफ़ी सही दिखता है। और आप मैंने लैंटर्न लगा दिया इसके नीचे मतलब ऊपर, तो ये काफ़ी सही दिख रहा है। और ऊपर अपना आता है बेडरूम, तो आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये देखो अपना बेडरूम, यहाँ पे मैंने यू नो बैरल लगा रखे है, बेड लगा रखे है, क्राफ्टिंग टेबल लगा रखा है, स्मिथिंग टेबल लगा रखा है, कंपोस्टर लगा रखा है, यहाँ पे बुकशेल्फ लगा रखी है और पॉट लगा रखा है, मतलब काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। तो बाकी छोटा सा घर है और काफ़ी सही घर बना है, काफ़ी सही बिल्ड है। अब मेरे को कमेंट्स में बताना आपको कैसा लग रहा है। और गाइस जिसने अभी तक वीडियो देखी है प्लीज़ मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इट विल मीन अ लॉट ठीक है। तो ये कर देना, बाकी मैंने यहाँ पे इसको डिटेलिंग थोड़ी और दे दी, यहाँ पे स्टेयर सेट कर दी, स्लैब सेट कर दी, तो ये काफ़ी सही दिख रहा है मेरे को। और अगर हम पीछे से देखें तो पीछे मैंने कुछ चेंजेस तो नहीं किए, बस फ्लावर पॉट ऐड कर दिया और बाकी अपना घर वैसा ही है। तो आप मेरे को बताना कैसा लग रहा है ठीक है। दूर से देखो तो ऐसा दिख रहा है, और ये इस घर से थोड़ा मैच भी कर रहा है। बाकी अपना विलेज बनना है थोड़ा रेडी हो चुका है, मतलब अभी आज हम चार घर कंप्लीट कर देंगे, बाकी डेकोरेशन भी करने वाले हैं। और प्लस मेरे को इसका जो लेआउट है ना थोड़ा आगे करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम साथ में तो बेकार लगेगा। तो अभी चलते हैं उड़ के ऊपर, ऊपर से देखते हैं अपना ऊपर से कैसा दिख रहा है यहाँ पे विलेज। तो अपने स्टार्टर हाउस में चलते हैं अभी जल्दी से। तो आ चुका अपने मैं स्टार्टर हाउस से, और यहाँ पे अभी लैंड करते हैं फटाफट। और यहाँ पे ओपी लैंडिंग किया मैंने, और यहाँ से दिख रहा है अपना ये घर। ये घर काफ़ी सही दिख रहा है, प्लस वहाँ पे एक और घर आएगा तो काफ़ी यू नो भरा भरा लग जाएगा। यहाँ पे मैं डेकोरेट भी करने वाला हूँ इन फ्यूचर नहीं अभी करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हाँ देखते हैं कैसा लगता है अपना पूरा घर। तो लेट्स गो, अभी ये घर बनाना स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ पूरा विलेज कैसा दिखता है अपना। ओके तो फाइनली गाइस मैंने इसका जो लेआउट था एक लेवल आगे कर दिया, मतलब एक ब्लॉक आगे कर दिया ताकि उन दोनों घर में गैप आ जाए। और प्लस मैंने इसका सामान भी लटका के रख लिया पीछे, पूरा शेल्फ में पड़ा है, आपको दिखा देता हूं मैं। तो लेट्स गो, आपको सामान दिखाता हूं इसमें क्या क्या लगने वाला है इन 3, 2, 1 और ये बूम। तो फाइनली गाइस आपको दिखाता हूं सामान क्या लगने वाला है। तो गाइस ये सारा सामान लगने वाला है, थोड़ा ज्यादा सामान लेके आया हूं मैं, तो ये मतलब थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लेता हूं। और ये तो ऐसा ही है मतलब डेकोरेशन के लिए ठीक है। तो अभी घर बनाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस पहले तो मैं को ये बीच वाला पार्ट और इसका जो राइट वाला पार्ट है, इन दोनों में जो इसके अंदर है ना आप देख रहे हो ये ग्रास दिख रही है आपको, तो यहाँ पे मेरे को स्प्रूस के प्लांट्स लगाने हैं, तो आपको जल्दी से लगा के मिलता हूँ मैं। तो अब मेरे को यहाँ पे पिलर खड़े कर रहे हैं, तो जो मिडल वाला है यहाँ पे मेरे को 6 ब्लॉक हाइट के करने पड़ेंगे ठीक है। यहाँ सब यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे करने पड़ेंगे मेरे को 5 ब्लॉक के ठीक है, 5 ब्लॉक टॉल, और यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा 3 ब्लॉक टॉल। तो आपको जल्दी से करके मिलता हूँ मैं। तो अब मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, जो मेरे को करना है वो है यहाँ पे वॉल ऐड करनी है मेरे को स्टोन ब्रिक, स्टोन, कोबल स्टोन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके, और एक मोसी कोबल स्टोन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके यहाँ पे मेरे को वॉल बना देनी है। यहाँ पे मैंने गेट बना दिया, अब मेरे को यहाँ पे हर साइड पे करना पड़ेगा, तो जल्दी से करके मिलता हूँ। तो फाइनली क्या जब मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है ठीक है, और ये काफ़ी सही दिख रहा है मेरे को। तो अब मेरे को क्या करना है, ऊपर आना पड़ेगा, तो यहाँ पे चलते हैं 1, 2, 3, 4 ऊपर आ चुके हैं ना, हाँ तो इस लेवल में को यहाँ पे स्प्रूस का पूरा फिल कर देना है। तो जल्दी से करता हूँ अभी मैं। तो अब मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट बालकनी में मेरे को फैंस ऐड करनी है 1, 2, 3, 1, 2 और यहाँ पे भी 1 और 2 ठीक है। अब मेरे को लेने यहाँ पे स्मूथ सैंड स्टोन ठीक है, और यहाँ पे मेरे को 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4 ठीक है, ऐसे करके मतलब पूरी 4 गेट होनी चाहिए और बीच में 2 का गैप जहाँ पे अपनी वो विंडो बनेगी ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 ठीक है, और यहाँ पे बीच में 1 और इसके ऊपर 1, तो यहाँ पे हर साइड पे मेरे को कर देना है। तो अभी कर रहा हूँ, तो आपको करके मिलता हूँ।
तो अब आती छत की बारी, तो उसको मैं कैसे बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक स्टेयर ऐड करनी है और इसके साइड पे भी सीधी स्टेयर ऐड करनी है, इसको तोड़ देना है। अब यहाँ पे सीधी स्टेयर ऐड करनी है, ठीक है। अब इसके आगे मेरे को अपसाइड डाउन स्टेयर ऐड करनी है और इसके ऊपर मेरे को करना है एक प्लैंक ऐड, फिर इसके ऊपर एक स्टेयर ऐड, देन अपसाइड डाउन स्टेयर, ठीक है, देन इसके ऊपर एक प्लैंक ऐड, देन इसके ऊपर एक स्टेयर ऐड, ठीक है। अब मेरे को सेम उस साइड पर करना पड़ेगा, आपको करके दिखाता हूँ फिर से। मैं यहाँ पे एक स्टेयर ऐड करो, ठीक है, और इसके साइड पर एक स्टेयर ऐड करो और इसको ऐड, अरे नीचे लग गई भाई, ठीक है, इसको ऐड करो और इसको तोड़ दो, इसके नीचे वाली भी तोड़ दो जो गलत लगी है। फिर यहाँ पे सीधी स्टेयर ऐड करो, ठीक है, इसके आगे अपसाइड डाउन स्टेयर ऐड करो और ऐसे करके, ठीक है। देन इसके ऊपर प्लैंक आने वाला है, ठीक है, देन इसके ऊपर फिर स्टेयर, देन इसके ऊपर आगे अपसाइड डाउन स्टेयर, ये गलत लग गई, अपसाइड डाउन लगानी है और ऐसे करके, देन इसके ऊपर प्लैंक और प्लैंक लगाओ, ठीक है, देन इसके ऊपर। तो गाइस यहाँ पे हर साइड पे छत ऐड कर दिया है, मतलब यू नो बाउंड्री ऐड कर दिया। मेरे को यहाँ पे एक दो तीन प्लैंक लगाने हैं, ठीक है, मेरे को उस साइड पे जाना है, तो यहाँ पे भी मेरे को लगाने पड़ेंगे एक दो तीन। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ओक वाला, तो ये काफ़ी सही कॉम्बिनेशन मेरे को लग रहा था, ठीक है। अब मेरे को लेनी यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टेयर्स, देने एक दो तीन ऐड करने हैं यहाँ पे, फिर उसके ऊपर फिर से मेरे को प्लैंक्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो एक दो तीन चार और ये पाँच लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर फिर से स्टेयर्स आने वाली हैं, तो एक दो तीन और ये चार और ये पांच, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा डार्क ओक या प्लैंक, देन मेरे को यहाँ पे पूरा क्रॉस बना देना है, ठीक है, जैसे कि मेरे को दोनों का कट कर देना है, जैसे कि एक लाइन खींची और एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे खींच ली, ठीक है। तो ये करना है मेरे को, तो ये करने के बाद अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर स्लैब लगानी है, तो अब ये भी लगा देता हूँ, तो ये भी लग चुकी है, ये डबल स्लैब लग गई, इसको तोड़ो और यहाँ पे सिंगल स्लैब लगाओ और ये डन, ठीक है। तो हाँ, अब ये कर दिया, अब मेरे को ये हर तरफ करना पड़ेगा छत वाला, तो आपको जल्दी से करके मिलता हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर के राइट हैंड साइड और यहाँ पे मेरे को छत डालनी है, तो यहाँ पे मेरे को क्या पड़ेगा, स्लैब लेनी पड़ेगी, डबल स्लैब कर देना, फिर मेरे को इस स्लैब की पूरी लाइन खींच देनी है, तो इसको एंड तक लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल स्लैब आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा मेरा फुल ब्लॉक, तो यहाँ पे फुल ब्लॉक लगाओ जल्दी से, तो जल्दी से मैं फुल ब्लॉक लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने फुल ब्लॉक लगा लिया, ठीक है। हाँ, तो एक यहाँ पे रह गया, अरे फुल ब्लॉक आएगा वहाँ पे, गलत कर दिया थिंक सो मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगी स्लैब, क्योंकि फुल ब्लॉक दिखने भी वाला, क्योंकि आगे स्लैब ही आएगी, तो जल्दी से यहाँ पे स्लैब लगा देता हूँ, तो डन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिर से स्लैब आएगी, तो हाँ, तो अब जो छत है ना वो काफ़ी सही दिखेगी, आपको बाद जाकर दिखाता हूँ मैं, पहले मेरे को ये कंप्लीट करने दो। तो यहाँ पे लग जा, एक दो तीन और ये चार, ठीक है, अभी चलते हैं बाहर, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी देखो अपना घर कंप्लीट हो चुका है, अभी यू नो डिटेलिंग बाकी है, वो जल्दी से करके मिलता। ओ भाई, तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे दोनों घर कंप्लीट कर लिए, मैंने यहाँ पे डेकोरेशन भी कंप्लीट कर ली है और काफ़ी सही लग रहा है मेरा घर और विलेज जो मेरा अभी स्टार्ट हुआ बनाना, तो मतलब मैं बोलूँगा एक नंबर बना है, ठीक है, और काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। आपको जल्दी से दिखाता हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, तो चलते अभी ऊपर मेरे घर से, वहाँ से आपको दिखाता हूँ और पूरा वर्ल्ड दिखाता हूँ, ठीक है, इन 3 2 1 और तो गाइस बी रेडी, मेरा विलेज देखने के लिए काफ़ी सही बना है, तो आपको दिखाता हूँ अपना विलेज, मतलब मेरा विलेज। तो गाइस ये देखो क्या ही ओपी दिख रहा है मेरा विलेज, मैंने यहाँ पे पूरा यू नो डेकोरेशन ऐड किया, पूरा पाथ ऐड कर दिया, देखो पूरा यहाँ से ऊपर से नीचे जाएगा, यहाँ पे घर भी ऐड कर दिए दो और काफ़ी सही दिख रहा है। बाकी इन फ्यूचर और भी घर आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे देखो पाथ में मैंने स्टोन बटन ऐड कर दिए थोड़े बहुत, और प्लांट्स भी ऐड कर दिए और काफ़ी सही लुक आ रहा है। और ये स्टोन जो बटन है ना मैंने इसलिए ऐड किए, मेरे को ना थोड़ी पत्थर की फील दे रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखो ना तो पत्थर की फील होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने चिकन बांध रखा है यार, इस चिकन का क्या नाम दूँ आपको बताना, ठीक है, कमेंट्स में क्या नाम दूँ इस चिकन को, तो और ठीक है मेरा शुक्रिया, आपको दिखा ही है, आपको पहले दिखा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ना पाथ नीचे आते हैं, तो मैं पहले बना रखा था, कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया, यहाँ पर स्टोन बटन ऐड किया, थोड़े बहुत फ्लावर्स ऐड किए हैं, थोड़ी बहुत ही ग्रास ऐड किया, नथिंग एल्स, ठीक है, जो नया वो आगे जाके है, तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से अपने को जाना है, ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से कुछ नया स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गाइस ये देखो मैंने स्ट्रीट लाइट ऐड की है जो कि एकदम नई है, और यहाँ मैंने डीप स्लेट ऐड किया है थोड़ा सा, और यहाँ पे फेंस ऐड की है स्प्रूस की, काफ़ी सही दिख रहा है मेरे को। तो अब मेरे को कमेंट्स में आपको कैसा दिख रहा है, प्लस आगे जाके मेरे को अपना दिखता है फर्स्ट घर जो मैंने बनाया था, मैंने यहाँ पे ग्रास तोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, और ये काफ़ी से दिख रहा है यहाँ पे पाथ इस साइड को भी जाता है और इस साइड को जाता है। तो पहले इस साइड को चलते हैं हम, तो यहाँ मैंने पंपकिन ऐड कर दिए, ठीक है, और थोड़ी फेंस ऐड कर दी, यहाँ पे ग्रास ऐड कर दी और बैरल्स ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने किया है कार्व्ड पंपकिन ऐड, जो कि काफ़ी से लुक दे रहा है मेरे विलेज में रात को, और काफ़ी गजब दिखता है यार। आपको रात को कैसे दिखाऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट काफ़ी रात को काफ़ी दिख सकते हैं, दिखता है, ठीक है। तो आपको इन फ्यूचर दिखाऊंगा कभी, आज नहीं दिखाऊंगा, जब मेरा पूरा विलेज बन जाएगा फिर आपको दिखाऊंगा एक दिन वर्ल्ड टूर में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और रास्ता जाता है, बट हम जाएंगे आगे से, क्योंकि वहाँ से रास्ता कुछ और है, तो आपको दिखाता हूँ। तो हम जाएंगे यहाँ से, ठीक है, जब हम यहाँ से जाते हैं आपको कर्व्ड पंपकिन दिखता है यहाँ के भी, और यहाँ पे आपको दिखते हैं फ्लावर्स दिखते हैं, ठीक है, और लाइटिंग तो काफ़ी सही किया मैंने यहाँ पे,
पंपकिन जो लुक दे रहे हैं भाई साहब, मतलब गजब लुक दे रहा है। मेरा मन कर रहा है नेक्स्ट वीडियो में पंपकिन फार्म ही बना दूं यार, क्योंकि मेरे को पंपकिन बहुत चाहिए। प्लस यहाँ पे मैंने यू नो यहाँ पे लाइटनिंग ऐड किया, पंपकिन फिर से आ चुकी हैं और वहाँ पे फिर से काउड पंपकिन है। मैं वहाँ पे ऊपर ना माउंटेन पे काउड पंपकिन और ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। प्लस मैंने ये घर भी कंप्लीट कर दिया था, आपको मैंने दिखाया नहीं था पहले। तो गाइस ये देखो मेरा घर कैसा दिख रहा है, और ये काफी सही दिख रहा है। आप मेरे को कमेंट्स में बताना आपको कैसा दिख रहा है, आपको मेरा वर्ल्ड अभी कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट्स में बता देना, ठीक है। अभी चलते हैं इसके अंदर। तो इसके जब अंदर आते हैं तो यहाँ पे मैंने ये ऐड किया, यहाँ पे बैरल्स हैं, फ्लावर पॉट है, ठीक है, स्टोन कटर है, और यहाँ पे सब कुछ बड़ा है, आप देख सकते हो स्मोकर वगैरह है। और यहाँ पे एंटर चेस्ट भी यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज मैंने रखी है, ठीक है। बाकी इन फ्यूचर देखते कुछ और कर पाएंगे इस घर में, बाकी अब के लिए इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे मेरा बेडरूम है, यहाँ पे दो बेडरूम बेड ऐड किए हैं, बाकी कारपेट भी है और सब कुछ यही था, ठीक है। और यहाँ पे मेरी बालकनी है, और बालकनी में मैंने यहाँ पे पॉट ऐड किया जिसमें मेरे ओक की सैपलिंग है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी चलते हैं आउटरो में, लेट्स गो टूवर्ड्स दी आउटरो। मेरा सामने था जो मैंने खुद ट्री बनाया था, कस्टमाइज ट्री छोटा सा, ठीक है। अभी चलते हैं आउटरो में। तो हाँ जी गाइस, कैसी लगी, आ गया स्वाद। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इट विल मीन अ लॉट। क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लस अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है। तो अभी थोड़ा सा ठीक हूँ मैं, पूरा ठीक नहीं हुआ, मैंने अभी भी नो बीमार हूँ थोड़ा सा, बट मैंने फिर भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है आपके लिए। तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो का लाइक के 50 लाइक्स जो कि आप आई थिंक सो कर दोगे शायद, क्योंकि पिछली वीडियो में 50 लाइक्स नहीं हुए थे, तो इस बार कर देना, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय, और हाँ साइनिंग ऑफ, और कमेंट कर देना, ठीक है, ओके बाय।